नमस्कार, मैं हूँ अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। लालू परिवार और बहू ऐश्वर्या के बीच की लड़ाई रविवार को एक बार फिर सड़क पर आ गई। वहीं तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर सामान छीनने और मारपीट का आरोप लगाने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर मामले की जांच की। उल्लेखनीय हो कि लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था। आपको बता दें कि राबड़ी देवी के सरकारी बंगले से रविवार की शाम रोते हुए बाहर निकली ऐश्वर्या ने मीडिया कर्मी को बताया कि उनके पिता चंद्रिका राय को लेकर पटना विश्वविद्यालय में एक गलत पोस्टर लगाया गया। उन्होंने इस संबंध में सास राबड़ी देवी से जानना चाहा कि उनके व्यक्तिगत विवाद में पिता चंद्रिका राय को क्यों घसीटा गया। इसी बात पर सास ने उनका बाल लोचा और जमकर पिटाई की। एक महिला पुलिसकर्मी पर भी मारपीट का आरोप लगाया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर बाहर से तालाबंद हो गया। इधर ऐश्वर्या ने कहा कि राबड़ी देवी के इशारे पर साक्ष्य मिटाने के लिए उसका मोबाइल भी एक सुरक्षा कर्मी ने छीन लिया, साथ ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। तलाक के मुकदमे को लेकर सभी प्रमाण उसी मोबाइल में थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी पूरे मामले की जानकारी है। कहा, 17 दिसंबर को तलाक मामले का फैसला आ सकता है। राबड़ी देवी चाहती है कि उसके पहले वह घर छोड़ दे। ऐश्वर्या को घर से धक्के देकर बाहर निकाले जाने की जानकारी मिलते ही उनके पिता चंद्रिका राय पत्नी पूनम राय के साथ राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू परिवार ने उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया है उसका वह अब करारा जवाब देंगे। हम राजनीतिक लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन राबड़ी देवी को एक्सपोज भी करेंगे। जो घर की महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती है वो बाहर की महिलाओं को क्या सुरक्षा देगी। वो कुत्सित मानसिकता का वो लड़का है, तेज प्रताप जिसका नाम है, और उसने आज FIR हो गया है, ऐश्वर्या ने कर दिया है। क्या था पूरा मामला ये बता दीजिए। पूरा मामला था कि उसने आज एक कहीं पर कोई पोस्टर तेज प्रताप ने सटवाया है अपना पटना यूनिवर्सिटी में, जिसके में मेरे बारे में कुछ अश्लील बातें उसने लिखी है, और इसकी किसी दोस्त ने दिल्ली से फोन किया कि ऐसी ऐसी बात न्यूज में चल रही है। तो इसने जा करके सिर्फ पूछा राबड़ी देवी से कि आपका बेटा जो है इस तरह की बातें करता है, इस तरह की घिनौनी हरकत करता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, जिस तरह की बातें लिखी हुई है, इसलिए आप क्यों नहीं मना करती हैं। उसी पर कहने लगी, मारने लगी और भद्दी भद्दी बातें कहने लगी इसको, इसके बारे में, और उसके बाद इसको मार करके बाल बाल खींच लिया, उसको बुरी तरह से मारा, और अपने दो ठो लेडीज जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे खिंचवा करके बाहर फेंकवा दिया। ये घटना हुई है, यही बात उन्होंने लिखा होगा। किनको आरोपी बनाया अभी हम थोड़ी जानते हैं किनको वहाँ फायर में ना पता चलेगा कि उनको आरोपी हैं। तेज प्रताप भी प्रेरित करते थे राबड़ी देवी। प्रेरित आज क्या घटना हुई है, आज जो घटना हुई है, परसों असल में डेट है 17 तारीख को डेट है जिसमें निर्णय सुनाया जाएगा सारी बातों पर, जिस पर हम लोगों ने एक DV एक्ट का केस किया है। किस तरह से प्रताड़ित करती हैं, किस तरह से हमेशा उलाना देती रहती हैं कि कम से कम एक बेटा को 1 करोड़ का गाड़ी तो दे देता। पूर्णिमा रॉय ने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या को घर में खाना नहीं दिया जाता था, वह अपने घर से खाना उसे भेजती थी। चंद्रिका राय ने अपने दामाद तेज प्रताप को एक पागल लड़का बताया। उधर इस मामले पर ना तो तेज प्रताप यादव और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का कोई बयान सामने आया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने मामले पर मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सब ड्रामा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है, असली मुद्दे से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए सरकार यह करा रही है। यह दो परिवारों या दो लोगों का मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट को ही इसका फैसला करना है। विदित हो कि इससे पूर्व 29 सितंबर को ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था। उस समय भी पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जमकर हंगामा हुआ था और ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय को आना पड़ा था। पुलिस हस्तक्षेप के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ऐश्वर्या को घर में रखने को तैयार हुए।